मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के कंकरखेरा में अंबेडकर रोड स्थित मार्शल पीच पर कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई अस्पताल का उन्होंने भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली शिलान्यास किया। 148 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बेड के इस अस्पताल से करीब 1,00,000 कर्मचारी और उनके परिवार को फायदा होगा। केंद्रीय श्रम रोजगार और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा, इसकी तैयारी की जा रही है। मेरठ समेत आसपास के जिलों को इसका लाभ मिलेगा। कर रही है बहन और भाइयों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहां बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जा रहा है, आरोग्यता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, वहीं लखन आपका मेरठ आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी के साथ एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरा है। आज से 7 वर्ष पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 3.5 से 4 घंटे लगते थे, आज आपके पास प्रदेश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच में बन करके तैयार हो गया है, दूरी मात्र 45 मिनट। रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली को जोड़ चुका है, दूरी मात्र 40 मिनट की दूरी पे अब दिल्ली रह गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है, प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बनाया है, बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगलनाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है, और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध